नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं UPSRTC की भर्ती के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, कंडक्टर भर्ती 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह जो है भर्ती कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में निकली है, ये दो प्रकार की भर्ती निकली है। टोटल भर्ती की बात करी जाए तो 625 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें आपकी 265 जो भर्ती हैं वह आपकी प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में निकली हैं, और 360 जो भर्ती निकली हैं वह सहारनपुर की भर्ती हैं, ठीक है। तो विभाग की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की भर्ती है, और आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वह 20/1/2023 से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट जो है 28/1/2023। तो लास्ट डेट बहुत कम है इसकी, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और अगर बात करी जाए तो कौन कौन फिल कर सकते हैं, इंटर वाले, और जिसके CC है यानी CCC जो कंप्यूटर कोर्स होता है, अगर उसके पास में वो है तो वो इसको फिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो उसने, ठीक है, आगे इसके ऊपर वाले उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर बात करी जाए तो पुरुष, महिला, ठीक है, ये सब इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो खिलाड़ी हैं, वे भी भूतपूर्व, विकलांग, ये सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेतन सीमा की बात करी जाए तो इसका वेतन सीमा जो है वह 10,000 एक से लेकर 20,000 रुपये पर महीने है, ठीक है। इसके आगे मिनिमम एज की बात करी जाए तो 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है इसमें 40 साल है। इसमें अनुभव की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने बात करी है उत्तर प्रदेश में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, इसमें जो है कितनी पोस्ट बताई मैंने, 265 भर्ती, ठीक है। आगे यहाँ पे और कुछ तरीक़ों को कुछ भी इसमें चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये कंडक्टर की भर्ती है। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरा हम बात करने वाले हैं सहारनपुर की भर्ती के बारे में। जी हाँ, उसकी भी अंतिम तिथि, ठीक है, 28/1/2023 है, और स्टार्टिंग तिथि जो है 20/1/2023 है, ठीक है। सेम कैटेगरी वाइज इन्होंने सेलेक्टेड किया है, जैसे इंटरमीडिएट को और CCC यानी कि जो कोर्स होता है कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, उसको अगर ये इससे ऊपर का, ठीक है, जिसने भी अगर उसकी शिक्षा स्तर है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी इसको फिल कर सकते हैं। सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें 360 भर्ती हैं, ठीक है, सहारनपुर में, और वे जो 265 भर्ती थी जो मैंने बताई थी वो अलग भर्ती हैं। तो ये दो यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट में निकली हैं, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको अप्लाई भी बता देता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है, और जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है उसके सामने वाला जो लिंक दिखाई देगा आपको, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें सामने ही आपको दिखाई देगा लिखा हुआ लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये उत्तर प्रदेश की जो है वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ यूज़र कोड पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर कैप्चा कोड लिखा होगा, यहाँ पर सबमिट। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो न्यू यूज़र्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र्स वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।